मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना, शहीद स्मारक पर 21वें दिन भी धरना जारी। सीएचए धरना स्थल पर कर रहे नारेबाजी और 31 मार्च को कार्यमुक्त करने का ये विरोध, स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो जयपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना, शहीद स्मारक पर 21वें दिन भी ये धरना जारी है। लगातार ये धरना कर रहे हैं और 21 दिन अभी तक हो चुके हैं और अभी भी ये लगातार धरना कर रहे हैं। सीएचए धरना स्थल पर नारेबाजी कर रहे हैं, 31 मार्च को कार्यमुक्त करने का विरोध और स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग, क्योंकि लगातार इनकी मांग यही थी कि जब कोविड आया था तो उस वक्त हमने भी ही मेहनत की थी जितना कि स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सा कर्मी कर रहे थे, ऐसे में हमें स्थायी कैडर में डालना चाहिए लेकिन हमें कार्य मुक्त किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 21 दिन अभी तक हो चुके हैं और लगातार ये धरना दे रहे हैं और इनका कहना भी यही था, पहले दिन से लगातार ये कह रहे थे कि जब तक हमें हमारी मांग जो है नहीं मांगी जाएंगी, जब तक हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी, जब तक हमें स्थायी कैडर नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इसी तरह से धरना करते रहेंगे, इसी तरह से स्थल पर बैठे रहेंगे। और अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है और शहीद स्मारक की ये तस्वीरें हैं जहां पर 21वें दिन भी ये लोग धरना कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सीएचए धरना स्थल पर नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है और 31 मार्च को कार्यमुक्त करने का इन्होंने विरोध किया था, स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग थी लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है, इन मांगों को अभी माना नहीं गया है। ऐसे में ये लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए ये धरना स्थल पर लगातार 21 दिन से नजर आ रहे हैं। तो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो 21 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, इनकी मांग यही कि जब कोविड आया था तब इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इनको रखा गया था सरकार की तरफ से लेकिन उस वक्त इनको परमानेंट नहीं किया गया था, स्थायी कैडर इनको नहीं मिला था। ऐसे में जब कोविड चला गया, जब इन्होंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया कोविड के टाइम में, लोगों की मदद की, तब उस वक्त तो उनसे काम लिया गया लेकिन अब दरकिनार कर दिया गया है इनको, अब इनको अनदेखा कर दिया गया है, इनको स्थायी कैडर नहीं दिया गया है बल्कि इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। और इसी के विरोध में अब ये लोग धरने स्थल पर नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, 21 दिन अभी तक हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई इनसे सरकार की बातचीत नहीं हुई है, सहमति अभी तक कुछ बनी नहीं है, ये जो मांग कर रहे हैं उनको माना नहीं गया है। तो ऐसे में अभी लगातार ये धरना जारी है, धरना स्थल की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार इस गर्मी में, क्योंकि तपती धूप है, बेहद गर्मी है, इसके बावजूद ये लोग अपने स्थल से हटे नहीं हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार मांग जो है उसके लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको शहीद स्मारक की दिखा रहे हैं और हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या यहाँ की तस्वीरें हैं, क्या अभी क्योंकि 21 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत के लिए आया है? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हैं लेकिन 21 दिन बीत गए हैं। ये वो लोग हैं जो कोविड काल के अंदर भगवान बनते, देवदूत बनते, देखो आज संख्या इनकी है, एक मायूस चेहरे इनके हैं, हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कुछ लोग सरकार की तरफ से हमारे पास कोई पैगाम आए, वो पैगाम जो है इस तारीख से। हमने 13 दिन आमरण अनशन भी किया था, तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से आमरण अनशन तोड़ना पड़ा था, सैकड़ों
तो ये वो तस्वीरें भी नजर आई थी एक समय में जब ये लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ऐसे में तबीयत बहुत लोगों की खराब होने लगी, अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। और अब क्योंकि ये लोग डटे हुए हैं, यहाँ आमरण अनशन तो नहीं लेकिन धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही ना सिर्फ चैनल के थ्रू माध्यम से हम बातचीत कर रहे हैं बल्कि जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रशासन जो है वो भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी मांग यही है कि जो स्थायी कैडर है उसमें इन्हें शामिल किया जाए। कारण ये क्योंकि जब कोविड आया था वो दौर एक था 2 साल का, जब हम सभी ने देखा स्थितियां बहुत खराब थी, चिंताजनक थी, उन समय में भी उस समय में ये सेवा करते हुए नजर आए थे, इनको रखा गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अब इनको कार्य मुक्त कर दिया गया है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण अपनी बात पूरी कीजिए, आप बातचीत कर रहे थे। क्योंकि नारेबाजी बहुत जोर शोर से यहाँ पर हो रही है और इसलिए आवाज आप तक हम पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि अगर सत्यनारायण आप सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा लाउड बोले। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि सत्यनारायण से फिर से हम जुड़े, उनसे बातचीत कर पाएं, इन समस्याओं को समझने की कोशिश करें कि 21 दिन अभी तक हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। ये लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है जो सरकार की तरफ से अभी तक बात नहीं बन पाई है या इन लोगों की तरफ से बात नहीं बन पाई है? क्योंकि इनकी सिर्फ एक मांग ये है कि स्थायी कैडर में इनको शामिल कर लिया जाए। ये एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद इन स्वास्थ्य कर्मियों की है, इन सहायकों की है, इन स्वास्थ्य सहायकों की है, जो कि लगातार 2 साल तक अपनी सेवाएँ देते रहे। लेकिन अब जब कोविड का टाइम खत्म हो गया तो इनको कार्य मुक्त कर दिया गया, लेकिन ये मांग ये कर रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर क्योंकि हम 2 साल से कार्य कर रहे हैं और इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ कार्य कर रहे हैं तो हमारी आशाएं होती हैं कि हम आगे जो हैं हमें सरकार स्थायी कैडर में रखेगी, हमें स्थायी करेगी, हमें नौकरी देगी। लेकिन अगर अब हमें कार्य मुक्त कर दिया जाता है तो हमारे परिवारों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि हमने स्वास्थ्य सहायकों के तौर पर कार्य तो किया लेकिन उसके बाद आगे का भविष्य हमारा शायद अंधकार में है, या शायद आगे के लिए हमें दोबारा से कुछ एक नए सिरे से पहल करनी होगी, शुरुआत नौकरी के लिए करनी होगी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल लिए ये सभी लोग, ना सिर्फ ये स्वास्थ्य सहायक बल्कि इनके परिवारजन भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं। तो ऐसे में इन्हीं परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर यहाँ इस तपती धूप में, गर्मी में मौजूद हैं और लगातार इस धरना स्थल पर बने हुए हैं 21 दिन से। 21 दिन एक लंबा समय होता है जब ये नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। हालांकि अनशन तोड़ दिया गया, वजह ये रही कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तबीयत लोगों की खराब होने लगी थी, तो क्योंकि इनको अपनी स्थिति पर डटे रहना है, यहाँ पर डटे रहना है, ऐसे में आमरण अनशन जो है इन्होंने अनशन जो किया था उसको तोड़ दिया, लेकिन नारेबाजी धरने स्थल पर लगातार ये बने हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।